किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाना खास बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक ही दोस्त से जिंदगी भर दोस्ती निभाना सबसे खास बात है। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बूढ़ी महिला की। एक अम्मा जो ईश्वर की परम भक्त थी, भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करती थी, भिक्षा मांगने जाती थी और अपनी जिंदगी चला रही थी। एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, लेकिन पिछले 5 दिनों से उन्हें भिक्षा का एक दाना नहीं मिला, अन्न का एक दाना नहीं मिला। झोपड़ी में आती, भगवान को याद करती, प्रार्थना करती और कहती कि कल आप ही देख लेना। झोपड़ी में आने के बाद में पानी पी के सो जाती। 5 दिन से उन्हें भिक्षा नहीं मिली थी, 6ठे दिन कहीं से उन्हें 2 मुट्ठी चने मिल गए। वो 2 मुट्ठी चने लेकर के झोपड़ी में पहुंची शाम में, और बूढ़ी महिला जो थी वो भगवान को याद करने लगी और कहने लगी कि आपकी कृपा होगी, लेकिन आज मैं ये चने नहीं खाऊंगी, कल मैं पहले आपको भोग लगाऊंगी, क्योंकि आप ही की कृपा से भिक्षा आई है, आपको भोग लगाने के बाद में खाऊंगी। तो ऐसा सोच करके कि भगवान को भोग लगाऊंगी, पोटली में वो 2 मुट्ठी चने उन्होंने रख दिए और वो पोटली झोपड़ी में बांध दी और विश्राम करने लग गई। रात के समय उनकी झोपड़ी में चोर घुस आए। चोरों ने देखा कि एक पोटली टंगी हुई है। चोरों को लगा कि इसमें शायद गहने होंगे, सोने के सिक्के होंगे, तो वो जो चोर थे वो पोटली चुरा करके भाग गए। चोर जब भाग रहे थे तो रास्ते में उन्हें किसी ने देख लिया, तो और ज्यादा तेज भागने लगे। इसी हड़बड़ाहट में वो संदीपन मुनि के आश्रम में पहुंच गए। संदीपन मुनि का आश्रम वो था जहां भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब वो वहां पहुंचे चोर उस आश्रम में, तो आवाज हुई, आहट सुनाई दी, तो गुरु माता जो थी वो जग गई। उन्होंने आवाज दी, चोरों को लगा कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। तुरंत वो पोटली वहीं छोड़ करके भाग गए। अगली सुबह जब गुरु माता साफ सफाई कर रही थी तो उन्हें वो पोटली मिली। उस तरफ जो बूढ़ी महिला थी, अम्मा थी, जब वो सुबह जगी तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी में से पोटली गायब हो गई, कोई उसे चुरा के ले गया है। वो जो अम्मा थी उन्हें बहुत गुस्सा आया और क्रोध में आकर के उन्होंने शाप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा, गरीब रहेगा। वो श्राप देकर के अपना फिर से जो उनका रूटीन था उसमें लग गई। गुरु माता ने इधर वो पोटली अपने पास रख दी, उसे खोल के देखा तो उसमें चने थे। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और उनके जो सखा थे सुदामा, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जंगल में जा रहे थे लकड़ियां बीनने के लिए। तो गुरु माता ने कहा कि सुदामा इधर आओ, ये चने की पोटली लेकर के जाओ, और एक काम करना, जब भी भूख लगे दोनों मिल बांट के खा लेना। सुदामा जी के हाथ में जैसे ही वो चने की पोटली आई, सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, विद्वान थे, जैसे ही वो पोटली उनके हाथ में आई, उस पोटली की कहानी उन्हें समझ में आ गई, जो बैक स्टोरी उन्हें समझ में आ गई कि इस पर तो श्राप लगा हुआ है। जंगल में पहुंचे, लकड़ियां बीन रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे। सुदामा के मन में चल रहा था कि क्या करूं, भगवान को अगर मैंने ये चने खिला दिए तो तीनों लोक दरिद्र हो जाएंगे, सब निर्धन हो जाएंगे, और मैं जीते जी जीवन में, अपने जीवन में ऐसा नहीं होने दे सकता। सुदामा ने फटाफट से चोरी छुपे वो सारे चने खा लिए, भगवान को चने का एक दाना नहीं खाने दिया। आदेश था लेकिन उसे माना नहीं, क्योंकि सुदामा जानते थे कि अगर ये मिल बांट के खा लिए तो भगवान भी गरीब हो जाएंगे, वो श्राप लग जाएगा। सुदामा उस दिन के बाद जीवन भर दरिद्र रहे, निर्धन रहे, गरीब रहे, लेकिन भगवान को दरिद्र होने नहीं दिया। ये होती है दोस्ती, जहां सच्चे दिल से रिश्ता निभाया जाता है उसे दोस्ती कहते हैं। एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो शुरू में कहा कि जीवन में बहुत सारे दोस्त बनाना खास बात नहीं है, लेकिन जीवन में किसी एक के साथ में अच्छी दोस्ती जीवन भर निभाना सबसे खास बात होती है, जो हमें सुदामा सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सब पर बरसती रहे, बस यही मेरी कामना है। आखिरी में वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर